हेलो फ्रेंड्स, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा था, मेथड्स ऑफ रेमुनरेटिंग लेबर। इसमें अपन ने सभी मेथड्स को कवर कर लिया था पिछली क्लासों में। आज की जो क्लास है, इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए हैं और दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को ध्यान से देखना। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 12 आवर्स एंड होली गारंटी रेट ऑफ वेजेस इज 6 रुपये पर ओवर ड्यू टू सेविंग इन टाइम अंडर रोन बोनस स्कीम। इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस ऑफ ए वर्कर इज 7.50 रुपीज़ पर ओवर इफ दिस वर्कर हैज़ टेकन सेम एक्चुअल टाइम इन हाल्स स्कीम, देन फाइंड हीज इफेक्टिव लेबर रेट पर ओवर इन हाल्स स्कीम। तो इस क्वेश्चन में अपने को बेसिकली दो मेथड्स करने हैं, एक तो रोन बोनस स्कीम से और एक करना अपने को हाल्स स्कीम से। इन्होंने रोहन बोनस स्कीम से तो अपने को इफेक्टिव रेट दे रखी है 7.50 रुपीज़ पर ओवर की, ओके। और इन्होंने पूछा है हाल से स्कीम से अपने को इफेक्टिव लेबर निकालनी है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो ये है अपना उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपने को जो जो क्वेश्चन है दे रखा था, मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। टाइम अलाउ क्वेश्चन है दे रखा था 12 घंटे, तो मैंने 12 घंटे लिख दिया। टाइम की जो रेट दे रखी थी क्वेश्चन है दे रखी थी 6 रुपए पर ओवर, तो मैंने वो लिख दी। इफेक्टिव रेट क्वेश्चन ने दे रखी है 7.5 रुपए पर ओवर, तो मैंने वो लिख दी। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इफेक्टिव लेबर निकालनी है, तो सबसे पहले इफेक्टिव रेट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है, ट्वीट है ना। अब अपने को सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है रोहन प्लान से करना है, पहले तो क्वेश्चन ने बोला है रोहन प्लान से करना है, और सेकंड में क्वेश्चन ने बोला आपको हाल से प्लान से करना है। तो पहले अपन रोहन प्लान से देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा रोहन प्लान से। इफेक्टिव रेट का मैंने फॉर्मूला लिखा, इफेक्टिव रेट क्वेश्चन में दे रखी थी 7.5 रुपए पर ओवर, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 7.5 रुपए इक्वल टू टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो मैंने टाइम टेकन को एज इट इज लिख दिया। अब ये जो टोटल वेजेस होती है, टोटल वेजेस का फॉर्मूला कौन सा वाला लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पे रोहन मेथड से कर रहे हैं तो रोहन मेथड वाला अपन यहाँ पे पूरा टोटल वेजेस का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, टीटी इंटू टीआर प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम रेट मल्टीप्लाई टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। ज्याला इसका आपका फॉर्मूला होता है, आपने पहले भी इनको पढ़ा था तब आपने याद किया होगा। सबसे पहले इफेक्टिव रेट दे रखी थी वापस मैंने 7.5 लिख दी इक्वल टू टाइम टेकन, दे नहीं रखा तो टाइम टेकन एज इट इज लिख दिया। टाइम की जो रेट है वो क्वेश्चन ने दे रखी है 6 रुपए पर ओवर, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 6 प्लस टाइम सेव्ड एज इट इज आ जाएगा। टाइम रेट कितनी है 6 रुपए, तो 6 रुपए आ जाएगी। टीटी अपॉन टीए, तो टीटी है नहीं, टीए कितना है 12 ओवर है, तो 12 ओवर मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे वही आ गया आपका टीटी, ओके। इसके बाद अपन ने क्या किया इसमें अपन ने इसको क्या किया, आप सोल्व करना है अपने को। जब टीटी मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या जाएंगे आपके 6 टीटी आ जाएगा, प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पे आपको इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वाला आपका 6 कम 6 6 2 12, तो ये आपका क्या कट जाएगा, तो टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम टेकन अपॉन 2 ये आ जाएगा आपका एज इट इज, ओके। और सेम एज इट इज आपका नीचे टाइम टेकन आ जाएगा। अब 7.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हो गया 7.5 टीटी हो गया इक्वल टू ये एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। अब अपन ने इसका ब्रैकेट खोल दिया, अब अपन इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे। कैसे आएंगे आंसर, 7.5 टीटी था, ये भी टीटी है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का था ये माइनस में जाएगा, तो 1.5 बचेगा। 7.5 टीटी में से 6 टीटी अपन माइनस करेंगे तो 1.5 टीटी बचेगा, इसको एज इट इज अपन ने लिखा था। अब यहाँ पे इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या जाएगा 3 ओवर्स अपने आ जाएंगे, टाइम सेव्ड आ जाएंगे। अब अपने को क्वेश्चन ने हाल से मेथड से भी करने के लिए बोला है, ये अपन ने इफेक्टिव रेट के लिए निकालने के लिए किया था, अब अपन हाल से मेथड से भी एज इट इज यही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने अपने को बोला था कि आपको हाल से स्कीम से इफेक्टिव लेबर निकालनी है। तो चलिए हाल से स्कीम से इस क्वेश्चन को अब करते हैं। अब उसके आगे अपन क्या करेंगे, हाल से मेथड से करेंगे, लेकिन हाल से मेथड से करने से पहले आपके पास क्या क्या आ गया इस क्वेश्चन में ऊपर वो लिखेंगे अपन कि भाई टाइम अलाउड अपने को 12 ओवर दे रखे थे और अभी अपन ने निकाला उस रोहन प्लान से, तो अपन ने देखा टाइम सेव्ड आ गया था अपने पास कितना 3 ओवर्स आ गया था। तो अब अपने पास जब अपने पास टाइम अलाउड भी है टाइम सेव्ड भी है तो अपन टाइम टेकन निकाल सकते हैं कि भाई टाइम अलाउड कितना किया था 12 किया था, उसमें से भी अपन ने 3 घंटे बचा दिए तो कितने का अपन ने टाइम लिया, तो 9 ओवर का लिया, तो ये हो गया अपना टाइम टेकन हो गए 9 ओवर हो गए। अब अपने को इफेक्टिव रेट निकालनी है हाल से प्लान से, ओके। क्वेश्चन में मैं तो यही पूछा था तो अपन अब इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं हाल से प्लान से। तो का फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव रेट का, टीडब्ल्यू अपॉन टीटी। अब नीचे टीटी सेम टू सेम आ जाएगा, ओके। हाल से मेथड से इफेक्टिव रेट दे नहीं रखी क्योंकि उस रोहन ही दे रखी थी केवल आपको। अब टोटल वेजेस का फॉर्मूला कौन से वाले मेथड का लगाएंगे, अपन हाल से वाले मेथड का टोटल वेजेस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे जो होता है सेम एच डी जैसा कैसा लिख देंगे। अब टाइम टेकन कितना है 9 है तो टाइम टेकन 9 का 9 आ जाएगा। टाइम रेट कितनी है 6 है, अपन ने पीछे देखी थी 6 प्लस टाइम सेव्ड कितना क्या 3 ओवर हुआ जाएगा। टाइम रेट कितनी है 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 50% ये लिख देंगे और अपॉन में कितना जाएगा टाइम टेकन कितना है 9 तो 9 का 9 आ जाएगा। और जब अपन इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, अपन इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आएंगे अपने पास 54 में 9 जोड़ना है और 9 से डिवाइड करवाना है तो आपके 7 रुपए पर ओवर आपकी क्या जाएगी इफेक्टिव रेट आ जाएगी हाल से मेथड से। तो ये अपनी क्या आ गई इफेक्टिव रेट आ गई 7 रुपए पर ओवर। तो ये था अपना इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, काफी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छे से करना।
आज की क्लास का अपना सेकंड क्वेश्चन ये है, आप सभी को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको टाइम टेकन निकालना है कि भाई एक्स और वाई वर्क करने काम करने में कितना टाइम टेकन किया है वो बताना है आपको। और इसमें अपने को काफ़ी सारी डिटेल दे रखी है, इसमें एक्स और वाई की डिटेल दे रखी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हो गया टाइम अलाउड दे रखा है 32 ओवर्स है ना। ओवरऑल आपको दे रखे हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी है 15 रुपये पर ओवर है, ओवर हेड दे रखी है आपको, और मेटेरियल के जो खर्चे हैं वो दे रखे हैं 1200 रुपये हैं प्रत्येक के ईच लिखा हुआ है आपके, ये ध्यान में रखना आगे। और आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, केवल एक मेथड का यूज करना है, वो उस मेथड का नाम है हाल से प्लान, और ब्रैकेट में दे रखा है 50%। ये अपने को पता है भाई, हाल से प्लान के साथ अपन बोनस में 50% ही देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो अपन यहाँ पे करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपने जो भी क्वेश्चन बोल रहा है अपन वो सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे। तो जो जो क्वेश्चन है दे रखा है मैंने ऊपर लिखा, डिटेल ऑफ जो अपने को वर्कर्स की डिटेल दे रखी है वो मैंने यहाँ पे इस टेबल में बनाई है। आपको भी सेम ऐसी एक टेबल मेंटेन करनी है। तो मैंने ऊपर तो लिख दिया डिटेल ऑफ वर्कर्स, दो वर्कर है मैंने लिखा पर्टिकुलर में, जो भी चीजें दे रखी है मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखी है। और दो जो वर्कर है वो कौन कौन है, एक तो है आपका एक्स है एक वाई है, तो मैंने दोनों के यहाँ पे नाम लिख दिया। क्वेश्चन है अपने को दे रखा है टाइम अलाउड कितने 32 ओवर्स, तो मैंने एक तो ये लिख दिया 32 ओवर्स, और ये भी लिख दिया मैंने वाई के भी 32 ओवर्स। ओके, और क्वेश्चन अपने को दे रखे टाइम रेट भी अपने को क्वेश्चन ने दिया कितने 15 रुपये पर ओवर 15 रुपये पर ओवर। ओके, ये तो टाइम टेकन है और टाइम सेव्ड है, ये क्वेश्चन अपने को नहीं दिया, लेकिन अपन को क्या करेंगे टाइम टेकन तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये तो क्या अपना क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने इनको क्या माना, एक्स मान लिया इसको, तो इसको मैंने मान लिया वाई। आपकी इच्छा हो तो आप इसको ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, एम मान सकते हो, एन मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो आप टाइम टेकन को मान सकते हो। ओके, मैंने एक्स और वाई माना है यहाँ पे। जो टाइम सेव्ड है ये आपको निकालना आता होगा। टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं, टाइम सेव्ड निकालते हैं कि आपको जो टाइम अलाउ किया है अगर आप उसमें से टाइम टेकन को माइनस करोगे तो आपका टाइम सेव्ड आ जाएगा। तो टाइम अलाउ अपने को दे रखा है 32, अगर अपन इसमें से जो टाइम टेकन है अभी तो एक्स ही अपन ने माना है तो अपन यहाँ पे एक्स लिख देंगे, लेकिन जब अपने पास टाइम टेकन आ जाएगा तो अपन उसको लेस करेंगे तो जो आएगा वो अपना क्या होगा टाइम सेव्ड होगा। सेम ऐसी चीज मैंने यहाँ पे वाई में लिखा है, तो ये चीज अपनी कंप्लीट हो गई। फिर क्वेश्चन ने अपने को एक दिया है, क्वेश्चन ने दिया है टोटल जो फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है अपने को 2700 रुपए, और एक दे रखी है 2910 रुपए अपने को क्वेश्चन ने एज इट इज दी है ये चीजें। ओके, और अपने को क्वेश्चन ने दिया है मटेरियल दिया है 1200 रुपए का, और 1200 रुपए का अपने को क्वेश्चन ने मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया है। ओवरहेड क्वेश्चन ने बोला है 45 रुपए है पर की, और अब टाइम टेकन कितना लिया अपन ने अभी पता नहीं है, तो एक्स मान लें तो अपन यहाँ पे लिख दिया 45x, और यहाँ पे लिख दिया अपने 45y। ओके, अब जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका मटेरियल इंक्लूड होता है, इसमें आपकी ओवरहेड इंक्लूड होती है, और इसमें आपकी लेबर इंक्लूड होती है। जो लेबर होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं टोटल वेजेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन ने अपने को बार बार में बोला आपको हाल से मेथड को क्या करना है यूज में लेना है। ओके, तो जो लेबर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं टोटल वेजेस भी बोलते हैं, और टोटल वेजेस का अपन ने फॉर्मुला देखा था, और क्वेश्चन बोल रहा है हाल से मेथड, तो हाल से मेथड से आपको टोटल वेजेस निकालनी है। अब हाल से मेथड से टोटल वेजेस निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, आई होप आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको फॉर्मुला दिखा देता हूं। यह आपका फॉर्मूला होता है क्या, टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम रेट इंटू 50%। ओके, ये होता है आपका हाल से का फॉर्मूला टोटल वेजेस निकालने का। अब अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। जो भी क्वेश्चन ने अपने को दे रखा है टाइम टेकन कितना दे रखा है एक्स, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया एक्स लिख दिया। ओके, टाइम रेट कितनी दे रखी है 15, ये देखो तो मैंने 15 की 15 लिख दी। प्लस टाइम सेव्ड कितना है 32 माइनस एक्स, तो 32 माइनस एक्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। मल्टीप्लाई टाइम रेट, टाइम रेट कितनी है 15, तो 15 इसका कितना 50% लेंगे, तो अपने पास ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 15x प्लस 32 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 7.5 अपने पास आएगा। तो ये अपनी क्या आई टोटल वेजेस आई हाल से मेथड से। इस टोटल वेजेस को आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लेबर वाले में लिखना है सेम एज ऐसे की ऐसे, और सेम एज मैंने ये आपको एक्स की निकाल के बताई है, आपको वाई की खुद से निकालनी है, ऐसे कैसे ये आएगा आपका वाई का। अब आगे क्या करना है अपने को, क्वेश्चन ने जो पूछा है अपन उसको करते हैं। क्वेश्चन ने अपने से पूछा है कि आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है। अब अपन टाइम टेकन निकाल देंगे, लेकिन अपने पास एक दो इक्वेशन बन रही है इसी में। क्या इक्वेशन बन रही है, एक तो ये पूरी अपनी एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन अपने पास ये हो गई, ये सारी अपन क्या करेंगे 1200 प्लस 15x प्लस 32 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 45x इक्वल टू 2700। सेम एज इज 1200 प्लस 15y प्लस 32 माइनस वाई मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 45y इक्वल टू 2910। तो ये तो याली इक्वेशन हो गई, याली अलग से दूसरी इक्वेशन हो गई। तो मैंने आपको बोला था कि दो इक्वेशन बन रही है, तो दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी कि भाई 1200 प्लस 15x प्लस 32 माइनस एक्स प्लस 45x इक्वल टू 2700। ये अपनी हो गई पहली इक्वेशन कंप्लीट। अब अपने को क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। जैसे 1200 का 1200 जाएगा, 15x का 15x से जाएगा, फिर 7.5 को 32 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 7.5 को x से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 45x का 45x से रह जाएगा इक्वल टू 2700 आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, जो भी सेम टू सेम चीज है उसको प्लस कर देना, जैसे 1200 240 को आप प्लस कर देना, 15x और 7.5 वही है तो इनको आप एज इट इज माइनस कर देना,
प्लस 45x वर्ग बराबर 2700 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको जब अपने ऐड किया तो 1440 आए, प्लस इनको जब अपने पूरे को सोल्व किया तो 52.5x बना इक्वल टू 2700। अब दोनों जो समान संख्या है वो कौन सी है, 2700 है और 1440 है। अब 1440 को अगर अपन इधर ले जाएंगे तो ये क्या में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो अपन ने इन दोनों को जब माइनस किया तो कितना है, 1260 आए। अब ये जो 52.5 था इसको अपन नीचे ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू आपके कितना आ जाएंगे, 24 ओवर्स आ जाएगा। सेम टू सेम आपको जो सेकंड इक्वेशन है आपकी जो बन रही सेकंड इक्वेशन उसको भी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है, इसको आपको एज इट इज सोल्व करना है, वही 1200 लिख के 15y लिख के और सेम टू सेम आपको इसको सोल्व करना है। तो आपका क्या जाएगा, y इक्वल टू क्या जाएगा आपका, 28 ओवर्स आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन ने अपने से पूछा था कि आपको टाइम टेकन बताना है, तो x का तो कितना आया था, 24 ओवर्स और y का आपका कितना है, 28 ओवर्स आ गया आपका। काफी इजी क्वेश्चन था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की क्लास में हमने टोटल 2 क्वेश्चन देखे हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नई क्लासों में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।